टिहरी जिले में आपदा की दृष्टि से चिन्हित 98 संवेदनशील गांवों की निगरानी के लिए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत नामित नोडल अधिकारियों ने संबंधित गांव में रात्रि विश्राम कर ग्रामीणों के साथ चर्चा की। इंजीनियरिंग विभागों से संबंधित इन अधिकारियों ने गांवों में पूर्व में आपदा से हुए नुकसान, अब तक कराए गए कार्यों और नए कार्यों के संबंध में ग्रामीणों की राय के बारे में रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी है। और जो गांव में आपदा संभावित जो क्षेत्र है उनका स्थलीय निरीक्षण किया। उन स्थानों पे जो ग्रामवासियों का कहना था कि यहाँ पे जाले लगाए जाए और जो हमें चकलेन है वो लगाए जाए और कुछ क्षेत्र में है कि जो बांस के पेड़ वृक्षारोपण वो कराया जाए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित गांवों में कराए जाने वाले जरूरी कार्यों के लिए आपदा फंड से धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो अधिकारी जिन गांवों के लिए नोडल बनाए गए हैं वे पूरे मॉनसून सीजन में संबंधित गांवों की निगरानी करेंगे। देखिए, जनपद टेहरी गढ़वाल में आपदा से जो संवेदनशील गांव है वैसे अभी 98 विलेजेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पहले आपदा कभी आई है या फिर जहाँ पर बारिश में मॉनसून में पानी बढ़ने के चांसेस, फ्लैश फ्लड के चांसेस रहते हैं। तो उन 98 विलेजेस में हमने 98 ऑफिसर्स नामित किए हैं जो कि अभी करेंटली उन विलेजेस में विजिट कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आपदा आती है तो क्या क्या वहाँ पर प्रोटेक्शन वर्क कर सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पे भी और परमानेंट बेसिस पे भी, और साथ ही लोगों को कहाँ सुरक्षित स्थानों पर ले जा सकते हैं उन चीज़ों, उन जगहों का आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे हैं। और साथ ही मानसून सीजन में वो अधिकारी उन विलेजेस के नोडल ऑफिसर भी रहेंगे, तो जो भी वहाँ पर सहायता आदि कोई भी कार्य किए जाने होंगे तो उनकी निगरानी में किए जाएंगे। वहीं आपदा प्रभावित गांवों के लोगों में प्रशासन की पहल से नई आस जगी है। चीजें जो पूर्व में भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं लेकिन जब तक ये हम इनको साकार तब तक मानेंगे जब कोई धरातल पे उतरे। इस तरह जो है आपदा को रोकने के लिए अगर इस पहल को धरातल पे उतारा जाए तो निश्चित तौर पर जो है क्या कहते हैं इसको आपदा के लिए एक बड़े साकार रोकने के लिए एक सकारात्मक पहल होगी।